हेलो फ्रेंड्स, सो PLI को लेके अपडेट आया है कैनरा बैंक और यूनियन बैंक। और कैनरा बैंक में 8 दिन की PLI और यूनियन बैंक में 10 डेज़ की PLI क्रिएट कर दी गई है। और अभी यूनियन बैंक की तरफ से सर्कुलर रिलीज किया गया है, उसमें PLI का फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताया गया है, क्योंकि अभी तक किसी बैंक ने बताया नहीं था कैसे क्या कैलकुलेशन होता है। तो यूनियन बैंक ने पूरा सर्कुलर रिलीज किया है कि उसमें किस हिसाब से 10 डेज़ का PLI मिला है, किस हिसाब से कैलकुलेशन हुई है, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन हुआ है। बाकी अभी बात करें सारे पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो 6 पब्लिक सेक्टर बैंक में PLI मिल गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 दिन का, SBI में 15 दिन का, इंडियन बैंक में 10 डेज़ का, सेंट्रल बैंक में 7 डेज़ का, और आज की डेट में कैनरा बैंक में 8 दिन का और यूनियन बैंक में 10 डेज़ का PLI मिला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस हिसाब से फार्मूला कैलकुलेट किया गया है। ये आप देख सकते हो, अभी यूनियन बैंक का जो सर्कुलर है आज की डेट में, मेनली इन्होंने ये PLI के बारे में लिखा हुआ है। पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट कंसीडरिंग द बिजनेस प्रायोरिटी ऑफ द बैंक मेट्रिक डिवाइज फॉर द फाइनेंशियल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर ऑफ द 2023-24 एज पर अप्रूवल अकॉर्डेड बाई द बोर्ड फॉलोइंग एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ 10-day PLI। तो 10 डे का PLI मिलेगा बेसिक POD कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हो किस हिसाब से किसको किसको मिलेगा। एंड यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करते हैं कि किस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो यूनियन की जब मीटिंग हुई थी, तो उसमें कल जो भी पैरामीटर थे, तो यूनियन बैंक ने जो पैरामीटर है उसमें कासा, NPA, SMA, नॉन इंटरेस्ट इनकम, टोटल बिजनेस ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड गवर्नेंस स्कीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर स्कोर जो है 90 से ऊपर होता है तो सब में 10 स्कोर मिलेगा, टोटल 100 होगा। और वहीं अगर 75-90 स्कोर होता है तो 8-8 दिया जाएगा, जो आपके टारगेट अचीव होते हैं उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से PLI कैलकुलेट करी जाएगी। और यहाँ पे लिखा है कि स्कोर अगर 90 के ऊपर जाता है, 90 से ज़्यादा रहता है, तब 15 दिन की PLI मिलेगी। और अलग अलग क्राइटेरिया है, और ये 90 के ऊपर आने के लिए बहुत सारे पैरामीटर, मतलब अच्छा फॉर्म करना होगा तब जाके सारे पैरामीटर में। अब ऐसा नहीं है कि एक पैरामीटर में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सारे पैरामीटर में परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब उसके बारे में मिल पाएगी पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखो, अगर जो टोटल स्कोर बनता है सारे पैरामीटर में मिला के, तब 15 दिन की PLI मिलेगी। अगर 90 के प्लस स्कोर जाता है, 87-90 में 14 डेज़, ये तीन तीन का मैट्रिक्स का डिफरेंस करके परसेंटेज वाइज किया है, 84-87 में 13 डेज़। और जैसे अभी 10 डेज़ की PLI मिली है, तो मतलब 75-80 पॉइंट रहे होंगे, उसके हिसाब से PLI मिली है। तो इस पैरामीटर में यही है कि मैक्सिमम PLI मिलना थोड़ा मुश्किल है और लोअर भी मिलना बहुत मुश्किल है, कि 40 स्कोर नहीं होगा, बहुत ही बेकार हो, मतलब आपको जो परफॉर्मेंस होगा वो 5-10 डेज़ के ही अप्रॉक्स PLI मिलेगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से काफ़ी उलझा हुआ फार्मूला बना दिया है। यहाँ पे आप पॉइंट स्कोर दिया हुआ है, वेटेज किस चीज़ के लिए कितना वेटेज है, जो बिजनेस का कासा होता है, कासा के लिए 20% दिया हुआ है, 10% अमाउंट टारगेट और 10% नंबर ऑफ अकाउंट। इसी तरह NPA के लिए ग्रॉस NPA 20%, मतलब टोटल NPA 20%, जिसमें ग्रॉस NPA 10% और नेट NPA 10%, मतलब जिसमें जितना रिडक्शन होगा उसके हिसाब से। SME के लिए 10%, नॉन इंटरेस्ट इनकम के लिए 10%, टोटल बिजनेस के लिए 10%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्लूड किया गया है 20%, और गवर्नमेंट स्कीम के लिए 10%। इसके हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला कैलकुलेट करके पैरामीटर डिसाइड किए हैं, यहाँ पे पॉइंट भी दिए हुए हैं। तो ये टोटल एक यूनियन बैंक ने कैलकुलेशन रिलीज की है किस हिसाब से PLI मिल रहा है, क्योंकि अभी तक किसी बैंक ने रिलीज नहीं की थी, जो कि काफ़ी एक क्रिटिकल हो गया है, मतलब कंफ्यूजन वाला, कि मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है PLI को इतने सारे पैरामीटर ऐड करने के बाद। पर ठीक है, इसमें ये है कि आपको लोअर साइड भी नहीं और मीडियम PLI, मतलब 5-10 डेज़ तो मिलेगी ही परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी जो और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें भी अब 1-2, मतलब इसी वीक के अंदर PLI सारे बैंकों में क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 डेज़ हो गए हैं। तो मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक तक सारे बैंक में PLI क्रिएट हो जाएगी, और मैक्सिमम चांस यही है कि जो PLI क्रिएट होगी वो 5-10 डेज़ के एवरेज में ही क्रिएट होगी मैक्स बैंकों में। थैंक यू दोस्तों।